हेलो फ्रेंड्स, आई एम उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ग्रामर। आज का हमारा पाठ का नाम है उपसर्ग। आज हम क्या देखने वाले हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व, लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे, या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व, लगकर उस शब्द का अर्थ बदले या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखो, मूल शब्द क्या है? पुत्र। उपसर्ग कौन सा लगा दिया? सु। शब्द क्या बन गया? सुपुत्र। सेकेंड, मूल शब्द क्या है? भाव। उपसर्ग कौन सा लगा है? अ। शब्द क्या बन गया? अभाव। देखो, नई विशेषता, यहाँ पे सिर्फ पुत्र था, उसमें नई विशेषता कौन सी आ गई? सुपुत्र। सु मतलब अच्छा पुत्र। फिर सेकेंड है भाव। मूल शब्द क्या है? भाव। उपसर्ग कौन सा लगा? अ। शब्द क्या बन गया? अभाव। अभाव मतलब क्या? शॉर्टेज। फिर तीसरा शब्द है कूल, उसको उपसर्ग कौन सा लगा? प्रति। शब्द क्या बन गया? प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब क्या? कि जो स्थिति हमारे लिए सही नहीं है वह। नेक्स्ट है, मूल शब्द है गम, और उपसर्ग कौन सा लगा? अधि। शब्द क्या बन गया? अधिगम। यहाँ पर मूल शब्द है चार, उपसर्ग प्र लगाया, नया शब्द क्या बन गया? प्रचार। फिर हार शब्द है, मूल शब्द क्या है? हार। उपसर्ग कौन सा लगा? वी। नया शब्द कौन सा बन गया? विहार। नेक्स्ट है राग है, मूल शब्द अनु, उपसर्ग लगा, अनुराग शब्द बन गया। देश मूल शब्द है, स्व उपसर्ग लगा, स्वदेश शब्द बन गया। मतलब क्या? कि जो मूल जो शब्द है उन मूल शब्दों को अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो क्या होता है? उस शब्द का अर्थ बदलता है या उस शब्द में एक नई विशेषता आती है। अभी हिंदी भाषा में तीन तरह के उपसर्ग प्रचलित है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू। कौन सी तीन भाषाएं हैं? संस्कृत, हिंदी और उर्दू। भी संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? अ, अप, कु, सु, और भी है। हमने क्या किया है? कुछ थोड़े से यहाँ पे दिए हुए हैं, बाद में चार चार पांच पांच उसके एग्जांपल्स दे रहे हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? जैसे कि अ, अप, कु, सु आदि। हिंदी के उपसर्ग हैं जैसे अन, भर, स आदि। फिर उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं जैसे कि बर, बे, कम आदि। अभी हम देखेंगे कि संस्कृत के उपसर्ग, मैंने यहाँ पे कुछ 9 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्या किए हैं मैंने यहाँ पर? कुछ 9 एग्जांपल दिए हैं। अति से अत्यंत बन जाता है, अति क्या है? उपसर्ग है। अधि से शब्द क्या बन गया? अधिकार बन गया। अनु से क्या बन गया? अनुराग बन गया। अप से क्या बन गया? अपयश बन गया। सु से सुपुत्र बन गया। अभि से अभिनय बन गया। सह से सहपाठी बनता है। कु अगर उपसर्ग है और उसको हम कर्म शब्द से जोड़ते हैं, कुकर्म होता है। परा शब्द उपसर्ग है, उसको हमने जय शब्द से जोड़ा, क्या हो गया? पराजय शब्द हो गया। मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो शब्दांश होते हैं उन शब्दांशों से पहले
अगर हम कोई उपसर्ग लगाते हैं तब उस क्या होता है शब्द का एक तो अर्थ बदलता है और उसमें क्या होती है एक नई विशेषता उत्पन्न होती है और उसे क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। फिर से हम रिपीट करेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर दे वे उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ पे उपसर्ग देखो कौन कौन से, सु है, अ है, प्रति है, अधि है। यहाँ पर उपसर्ग कौन से है, प्र है, वी है, अनु है, स्व है। अभी ये उपसर्गों से हमने क्या किया है, मूल शब्दों को जोड़ा हुआ है। पुत्र, भाव, फूल, गम। पुत्र जोड़ने से शब्द क्या बन गया, सुपुत्र। भाव मूल शब्द उपसर्ग अभाव। कुल शब्द मूल शब्द है उसको प्रति उपसर्ग लगाया, शब्द बन गया प्रतिकूल। अधिगम है, गम है मूल शब्द, अधि उपसर्ग लगाया, क्या बन गया अधिगम। यहाँ पर चार है मूल शब्द, प्र लगा दिया प्रचार। हार मूल शब्द है, वी उपसर्ग लगा दिया विहार। राग मूल शब्द है, अनु लगा दिया अनुराग। देश मूल शब्द है, स्व उपसर्ग लगाया स्वदेश। हिंदी भाषा में तीन तरह के उपसर्ग प्रचलित है। हिंदी भाषा में तीन तरह के उपसर्ग प्रचलित है, एक संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के उपसर्ग, तीसरे उर्दू फारसी के उपसर्ग। भी संस्कृत के उपसर्ग जो है देखो कि अति, अधि, अणु, अप, अभि, हु, सु, सह और परा, ये क्या है संस्कृत के उपसर्ग है। यहाँ कौन कौन से शब्द बन गया, अति से अत्यंत बना, अधि से अधिकार बना, अनु से अनुराग बना, अप से अपयश बना, अभि से अभिनय बना, कु से कुकर्म बना, सु से सुपुत्र बना, सह से सहपाठी बना और परा से पराजय बना। इससे पहले हम लोगों ने देखा हुआ था कि संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, अब हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। अब हम क्या देखेंगे, हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग और यहाँ पर उदाहरण है, उपसर्ग और यहाँ पर क्या है उदाहरण है। उपसर्ग कौन सा है, अन। उपसर्ग कौन सा है, अन। उससे शब्द क्या बनगा, बना अनपढ़। पर, पर दादा। अध, अध पका। भर, भरपूर। ये क्या है अन, पर, अर और भर, क्या है उपसर्ग है। और उसके उदाहरण कौन से हैं, अन से अनपढ़ बना, पर से परदादा बना, अध से अधपका, भर से भरपूर। फिर यहाँ पे उपसर्ग है देखो, बिन, धू, अव, सु, अ, च और नी, ठीक है। बिन से बिन खाए, दू से दुबला, अव से अवगुण, सु से सुजान, अ से अभाव, च से चराहा, नी से निडर। ये हैं हिंदी के उपसर्ग। इससे पहले हम लोग ने संस्कृत के देखे हुए थे, यहाँ है हिंदी के उपसर्ग। उसके बाद हम देखेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग कौन कौन से हैं, ब, बद, बा, बे, ना, गैर, ला, हम, हर, ऐन, क, ये क्या है उपसर्ग है। अभी ब से क्या बनता है, ब खोबी, बद से बदनाम, बा से बाकायदा, बे से बेदाग, ना से नामुराद, गैर से गैर जिम्मेदार, ला से लापरवाह, ह से हमदम, हर से हर वक्त, ऐन से ऐन वक्त, कम से कमकल। ये क्या बने हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग है, यह क्या है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। अब हम देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। अब क्या देखेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग। वाइस, वाइस प्रिंसिपल, सब, सब इंचार्ज, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर। तो इसी प्रकार से यह है अंग्रेजी के उपसर्ग। हमने क्या क्या देखा था,
उपसर्ग किसे कहते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं, उर्दू और फारसी के उपसर्ग कौन से होते हैं और अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से होते हैं। और यह उपसर्ग लगाने के बाद जो शब्द बनता है उसमें क्या होता है, अर्थ में तो परिवर्तन होता है या उस शब्द में क्या आ जाती है, विशेषता आ जाती है। मतलब क्या कि हमारी डेफिनेशन उपसर्ग की यही है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और इसी प्रकार से हमने आज देखे कौन कौन से भाषा में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं और उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। और इसी प्रकार से आज हमने उपसर्ग के बारे में जानकारी ली है।